नमस्कार प्यारे बच्चों, विनिंग स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों को करवाई थी, तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम असल में वो उनकी प्रॉब्लम क्या है वो मैं समझ चुका हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आपने वीडियो देखी तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी आप लोगों से, उस लाइन को आप लोग बार बार अनसुना कर रहे हैं, इसलिए वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें क्या अनसुना किया, उस चीज को ध्यान से देखो जो मैं समझाने जा रहा हूं। मैंने बात की थी आपसे प्लस की और माइनस की, ठीक है, प्लस की और माइनस की, और फिर बात की थी मैंने आपसे चार्ज की। तो जरा एक चीज देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार दोबारा लिखता हूं, CuCl2 + Pb। तो बच्चों मुझे पता है कि Pb जो है उस सीरीज के हिसाब से Pb ज्यादा ताकतवर है, वो Pb यहां पर आ जाएगा और Cu को हटा देगा। अब बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, गलती कर क्या रहे हैं, मैंने उसे क्या बताया कि Pb यहां आके जुड़ जाएगा, Cu यहां से निकल जाएगा, यही बताया ना। और Pb जो जुड़ेगा वो अपने चार्जों, मैंने क्या बताया कि पीबी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो सीयू को हटा देगा और सीयू हट जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने उसमें एक बात भी कही थी आपसे कि बच्चों पीबी अपना चार्ज लेकर आएगा और सीयू अपना चार्ज लेके जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बताई गई थी इसमें आपको कि बच्चों जब कोई चीज बाहर निकलती है तो उसके नीचे टू लगाना और नहीं लगाना किस बात से मैटर करता है, कि वो गैस है कि नहीं है। प्यारे बच्चों, कॉपर की कोई गैस नहीं होती तो नीचे आप टू नहीं लगाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन उसके नीचे आप टू लगाएंगे। तो अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि बच्चों पीबी यहां पर आके जुड़ गया तो किसके साथ जुड़ा, सीएल के साथ। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, Cl2 लिख रहे हैं। अरे मेरे बच्चे, आपको इसके नीचे टू नहीं लिखना है, ठीक है। आप Cl के साथ जोड़ रहे हैं, Cl के नीचे 2 है, 3 है, 4 है, मैंने 10 बार बोल दिया कि आपको वो चीज से मैटर नहीं है, आपको सिर्फ और उसके चार्ज से मतलब है। आपको चार्ज ने आपने चार्ज का ठेका लिया, बाकी किसके नीचे 2 है, 3 है, 4 है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, इसीलिए कहता हूं वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखिए, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर डाउट आया कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा कराऊंगा, हर बच्चे के लिए दोबारा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आज जो नई बात जोड़ने वाला हूं वो क्या जोड़ने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे सीएल, सीएल के नीचे 2 है ना, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका चार्ज याद रखो, सीएल का चार्ज है -1, पीबी का चार्ज है +2, ठीक है। अब ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, और हमेशा याद रखना प्लस वाले को पहले लिखा जाता है और माइनस वाले को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब सीयू बाहर निकल गया तो लिखेंगे सीयू। कुछ बच्चों ने सीयू के नीचे 2 लगाया हुआ, तो मैंने क्या बताया, प्यारे बच्चों 2 उसी के नीचे लगता है जो गैस होता है। जब ये गैस है ही नहीं तो इसके नीचे से 2 नहीं लगेगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए, जैसे Fe + HCl, ये दिया था ना मैंने, तो क्या बनेगा। अरे Fe ज्यादा ताकतवर है, H कम ताकतवर है, कहां से पता चलेगा। अरे वो लिखवाया था ना मैंने आपको, जो सीरीज लिखवाई थी उसे याद करो, उस सीरीज को याद करो। जब तक आप उस सीरीज को याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो Fe यहां पर आएगा, H यहां से बाहर निकल जाएगा। तो देखो, जब Fe यहां पर आएगा तो अपना चार्ज लेके आएगा, और किसके साथ जुड़ रहा है, Cl के साथ, तो Cl-1, एक इसके नीचे, दो इसके नीचे, FeCl2, क्लियर। अब देखो, यहां से बाहर के निकला H, और H कौन होता है, हाइड्रोजन। और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि हाइड्रोजन एक गैस है, तो जब गैस है तो नीचे क्या लगेगा, H2, ठीक है। इसी तरीके से Mg + HCl, फिर से वही, Mg हटाएगा H को, H हट जाएगा, Mg का चार्ज +2, Cl का चार्ज -1, एक इसके नीचे, दो इसके नीचे, Mg Cl2 + हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो H2, ठीक है। अब देखो, जैसे ये CuSO4 + Mg, यही था ना। अच्छा, अब Mg ज्यादा ताकतवर है, Cu कम, तो Cu हटा देगा, Cu हट जाएगा, Mg का चार्ज प्यारे बच्चों +2,
किसके साथ जुड़ रहा है? SO4 के साथ। SO4 का चार्ज -2, दोनों सेम हो गए इसलिए कैंसिल। तो एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, MgSO4 और साथ में Cu, साथ में Cu। अच्छा अब एक और देखिए, एक और कराया था मैंने, Fe2O3 प्लस में Al, ठीक है। अब जैसे हाँ इस चीज को अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो फिर आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मोस्टली बच्चों को इसी में, कम से कम 7-8 बच्चों को इसी में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे हिसाब से अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी जब मैं इसको समझा दूंगा। वैसे तो मैं समझा चुका हूं लेकिन एक बार फिर से समझिए आप, ठीक है। देखो क्या बच्चों, मैंने क्या बताया, ये कौन है Al, ये कौन है Fe। Al ज्यादा ताकतवर है, आके Fe को हटा देगा और Fe यहां से क्या होगा, हट जाएगा। अब ध्यान रखिए बच्चों, मैंने आपसे ये भी एक बात कही है कि हमेशा जब भी कोई चीज लिखते हैं तो प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। कुछ बच्चों को मैंने आंसर देखा, उसने क्या लिखा है, कुछ बच्चों ने Cl2Fe ऐसे लिख दिया है, ठीक है। देखो आप अपनी तरफ से सही लिख रहे हो, ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स होती है बच्चों से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर एक बार मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चीज को समझना है हमें, ठीक है। तो क्या समझना है कि हमेशा प्लस वाले को पहले यानी Fe को पहले और माइनस वाले को जो बाद में लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। हमेशा प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में, क्योंकि भाई हम हर किसी के बच्चे को पता है कि प्लस की चीज जो होती है वो बड़ी होती है और माइनस की चीज जो होती है छोटी होती है, एक तरह से समझने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। तो बस प्लस की चीज आगे, माइनस की चीज पीछे, प्लस की चीज आगे, माइनस की चीज पीछे। तो सेम चीज यहां पे, अब जैसे Al को मैंने यहां पे लेकर आया, Al का चार्ज +3, देखो चार्ज है यहां पर, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। Fe तो हट गया, जुड़ा किसके साथ, O के साथ, जुड़ा किसके साथ, O के साथ। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया, यहां नीचे O3 लिख दिया। नहीं बच्चों, O3, O2, O4 कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं और इसका रीजन ये है कि बच्चों आपको हमेशा जब भी किसी के साथ कोई चीज ज्वाइंट करनी है तो उसके नीचे का नंबर मत देखो, ठीक है। तो आपने देखा Al का चार्ज होता है +3, कहां से देखा, याद किया है। O का चार्ज होता है -2, तो 2 इसके नीचे, 3 इसके नीचे, तो Al2O3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक बच्ची ने O3Al2 ऐसे लिख दिया था। तो देखो बच्चे, आपने लिखा अपनी तरफ से सही है, लेकिन उस चीज को मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अभी बताया कि प्लस वाली चीज आगे लिखते हैं, माइनस वाली चीज पीछे लिखते हैं, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, तो प्लस वाली चीज आगे, माइनस वाली चीज पीछे, बचा क्या, Fe, ठीक है। तो यहां Fe बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों Fe के नीचे यहां पे 2 है, तो ये नहीं कि यहां भी 2 लगा दो, नहीं, क्योंकि Fe अलग हुआ है और Fe कोई गैस नहीं है। अगर आयरन कोई गैस होती तो हम उसके नीचे 2 लगाते, लेकिन आयरन कोई गैस नहीं है इसलिए हमने Fe को अकेला छोड़ दिया। यहां तक क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट कीजिए, ये लास्ट टाइम का होमवर्क था, मैंने सॉल्व करा दिया है, इसको नोट कीजिए फिर अगला कराता हूं, फटाफट इसको नोट कीजिए फिर अगला कराते हैं। अच्छा तो कुछ बच्चों को डबल डिस्प्लेसमेंट में भी दिक्कत आई थी, तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको तकरीबन शायद 4-5 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन दिया था मैंने SuCuSO4 प्लस H2S, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें काफी गलतियां हुई थी, लेकिन बच्चों गलती करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी चीज देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। उसमें क्या मैंने क्या समझाया था कि जो आगे वाला होगा उसे प्लस में लीजिए और जो पीछे वाला होगा उसे माइनस में, ये अपनी तरफ से मान के चलो, इसे प्लस में लेके चलो, इसे माइनस में लेके चलो, मान लो। अब क्या करना है आपको, इधर के प्लस वाले को इधर के माइनस से जोड़ना है और इधर के प्लस वाले को इधर के माइनस से जोड़ना है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब जोड़ना क्या है, जोड़ना इनका नंबर नहीं है बच्चों, जोड़ना इनका चार्ज है। यह बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जोड़ना क्या है, इसका हमें चार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्लस वाली चीज को हमेशा आगे रखते हैं, ठीक है, चार्ज बोलिए इसका +2, माइनस वाली चीज को पीछे रखते हैं, यह भी बताया था मैंने, -2, 1, कट गया ये 2 इस, तो ये बन गया क्या, CuS। अब देखा आपने क्या किया, मैंने प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, अब प्लस, अब क्या है, अब प्लस वाला कौन है, H है, H का चार्ज +1,
अब माइनस वाला कौन है? SO4। हमेशा याद रखो इस बात को कि बच्चों प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब माइनस का 2 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, तो क्या बनेगा? H2SO4। क्लियर? चलो एक और देखते हैं, BaCl2CuSO4। फिर से वही वाली कहानी, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, इसके प्लस को इसके माइनस से, इसके प्लस को इसके माइनस से, ठीक है। तो बच्चों Ba का चार्ज प्लस 2, ठीक है, SO4 का चार्ज माइनस 2। मैंने क्या बताया, प्लस को पहले, माइनस को बाद में, कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे छोड़ो। क्या बनेगा? BaSO4 प्लस Cu, Cu प्लस का है तो आगे, Cl माइनस का है पीछे, Cu का चार्ज प्लस 2, Cl का चार्ज माइनस 1। बच्चों ये चार्ज तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कहीं आप सोचोगे कि एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कहीं, आपको कोई कह दे टीचर कि हाँ जी लिखा हुआ आएगा, तो बच्चों इस भ्रम में मत रहना, नहीं लिखा हुआ आएगा। 8 साल से पढ़ा रहा हूं, 8-9 साल से, सब पता है कि आज तक नहीं आया। कई बार बच्चों को यह बोला गया है कि हाँ बच्चों वहां पे चार्ज लिखा हुआ आएगा, तो बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहना, कभी नहीं आता, ठीक है। आपको छोटी मोटी चीज तो याद करनी ही पड़ेगी, आपको छोटी क्लास में नहीं हो, आप 10th क्लास में हो, तो ये चार्ज आप प्लीज याद कीजिए सभी बच्चे। एक इसके नीचे, 2 इसके नीचे, CuCl2, इस तरीके से, ठीक है। फिर से देखा आपने, प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, माइनस वाला बाद में लिख रहा हूं, उसके बाद चार्ज, ठीक है। ठीक, एक और मैं करा देता हूं, जैसे एक ये करा देता हूं, CaO प्लस में AlCl3, ठीक है। चलिए अब बाकी के 2 खुद ट्राई करो अब, ठीक है। हाँ अब देख लो, आपका होमवर्क भी मैं ही करा रहा हूं, तो इसलिए समझो और करो। तो देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस इसके माइनस के साथ, ये प्लस इसके माइनस के साथ, तो Ca का क्या होता है? प्लस 2, और Cl का क्या होता है? माइनस 1। अब एक लड़के ने मेरे को जो सेंड किया था, उसने क्या किया, इस 3 को देख के यहां पे नीचे 3 लिख दिया एक लड़के ने, ठीक है। तो भाई मैं उस बात को समझा दूं, मैंने फिर से बता रहा हूं आपको कि इसके नीचे 3, 2, 4 कुछ भी लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ चार्ज से। तो इसका चार्ज 3 नहीं है, इसका चार्ज 1 है। तो बच्चों चार्ज अच्छे से याद कर लो। मैं बार बार एक ही चीज को फोकस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यही आपके लिए हेल्पफुल है। तो देख रहे हो, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। प्लस, अब इसका प्लस, इसका माइनस, Al, Al का चार्ज होता है प्लस 3, O का चार्ज होता है माइनस 2, 2 इसके नीचे, 3 इसके नीचे, तो Al2O3, ठीक है। एक मैंने बताया था ना, एक ने ऐसे लिख दिया था, तो ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। अब ये मत कहना कि ये 2 इसके नीचे कहां से आ गया, अरे भाई ये चार्ज है O का, किसका चार्ज है? O का चार्ज है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस चीज को समझो। लेकिन उसके लिए प्यारे बच्चों आपको चार्ज याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। कहीं ऐसे बोलो कि सर चार्ज हम क्यों याद करें, तो भाई अगर चार्ज याद नहीं करोगे, ठीक है, तो 10th में नंबर भी भाई वो याद में ही रहेंगे फिर, ठीक है। अगर भाई नंबर चाहिए अच्छे, तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आप एकदम से का खा गा सीखना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक लड़का मेरे को मैसेज करके कह रहा है सर ये सारे चार्ज याद करने पड़ेंगे, तो भाई आपको नंबर अगर पूरे चाहिए तो सारे चार्ज याद करने पड़ेंगे, और अगर नंबर नहीं चाहिए तो मेरी तरफ से एक भी मत करो, आप लोगों पे ही परेशानी आएगी, बाद में तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप सभी बच्चों को ये चार्ज वगैरह अच्छे से याद करने हैं, और हमेशा याद रखना है लिखते वक्त प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तक हमने कर लिया था, अब आज आगे बढ़ते हैं हम किस पे, बताओ क्या करें आज। हमारे पास एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, रेंसिडिटी है, क्रोजन है, और रेडॉक्स है। तो हम आज पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। और अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन एक बार सीख गए, ठीक है, तो उसके बाद कोई सा भी रेडॉक्स रिएक्शन आपके सामने पूछ लिया जाए आपसे, आप उसे बच्चों का खेल समझेंगे। और वो बच्चों का खेल क्या है, तो जरा देखिए, रेडॉक्स, ठीक है।
रेडॉक्स को अगर यहां से ब्रेक किया जाए तो इस रेड का मतलब बनता है रिडक्शन, और इस ऑक्स का मतलब बनता है यहां पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इस रेड को देखा जाए तो रेड का मतलब बनता है रिडक्शन और इस ऑक्स का मतलब बनता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, रिडक्शन को कहा जाता है हिंदी में अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन। और ऑक्सीडेशन को कहा जाता है उपचयन। क्या कहा जाता है? उपचयन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को, क्या कह रहा हूं मैं कि रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? अपचयन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? उपचयन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, तो जरा ये भी समझिए। रिडक्शन कहना चाहता है, रिडक्शन कहना चाहता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहना चाहता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब जब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जब किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो फिर इसका मतलब वहां पे रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, एक तो इस तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीका और है, क्या? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एक क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का घटना। अगर ऑक्सीजन किसी चीज से हट जाए तो वो भी एक तरह का क्या होता है? रिडक्शन होता है। वो भी एक तरह का क्या होता है? रिडक्शन। कभी भी ये दोनों केस एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, अभी एक दो रिएक्शन करवाऊंगा ना तो ए टू जेड सारा क्लियर होगा। अब ऑक्सीडेशन को कैसे पहचाना जा सकता है? ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन को पहचाना जा सकता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो समझ लो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और कैसे समझ सकते हैं? वही लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब क्या भाई? हाइड्रोजन का हटना, घटना। यानी अगर कहीं से हाइड्रोजन हट जाता है तो वो भी एक तरह का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। चलिए, अभी ये बात आपको क्लियर नहीं हो रही होंगी, ठीक है, लेकिन अभी जब मैं आपको दो चार एग्जाम्पल कराना शुरू करूंगा तो एक एक चीज आपको क्लियर होंगी। कैसे? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मेटल है जो ब्राउन कलर का है। आपके पास जो मेटल है वो कैसा है? ब्राउन कलर का है। ठीक है, और वो ब्राउन कलर का मेटल जो है, ठीक है, जो ब्राउन कलर का आपके पास जो मेटल है वो एक्स है, तो बताइए उसका नाम क्या है? तो बच्चों ब्राउन कलर का एक ही मेटल होता है और उसका नाम होता है कॉपर। उसका नाम क्या होता है? कॉपर। ठीक है, चलिए ये मैंने लिया कॉपर। ठीक है, कॉपर को मैंने क्या किया भाई? हीट किया, जलाया, और जलाते किसके प्रेजेंस में है आपको पता ही है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब जैसे ही इसको जलाएंगे तो आपको अच्छे से पता है Cu+O2 क्या बनता है? CuO। क्या बनता है? CuO। ये कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान देखिए, यहां क्या था? Cu। यहां का क्या था? देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, यहां क्या है? Cu। यहां कौन है? CuO। यहां कौन है? CuO। तो अब मुझे जल्दी से बताइए कि Cu जब CuO के साथ जुड़ गया, यानी देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने कि Cu जब यहां पर आया तो किसके साथ जुड़ गया? O के साथ। और बच्चों O का जुड़ना गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? मतलब Cu का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए फिर से, आपके पास एक ब्राउन कलर का मेटल है एक्स, जिसका नाम है क्या भाई? कॉपर। आपको अच्छे से मैंने बता दिया ब्राउन कलर का एक ही मेटल होता है। जब भी आपको ब्राउन कलर के मेटल के बारे में बोले बस तुरंत कॉपर पे हमला कर दो। ठीक है जी, कॉपर। कॉपर को आपने जलाया, जलाते किसके प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन के। जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे बनेगा क्या? CuO। क्या बनेगा? CuO। तो बस आपको अपना नजरिया देखना है। क्या नजरिया देखना है?
यहां सीयू अकेले था, लेकिन यहां पे जब आया तो किसके साथ जुड़ गया? ओ के साथ। और ओ के साथ जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और एक बात तो पता ही है, ऑक्सीजन का मतलब मैंने क्या बताया? जलना। अच्छा, यहां कॉपर कैसा था भाई? यहां कॉपर था ब्राउन कलर का, यहां कॉपर कैसा था? ब्राउन कलर का। लेकिन यहां पे कॉपर जल गया तो कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। कैसे कलर का हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन इसकी एक खास बात है, इसकी एक खास बात है। क्या खास बात है? कि अगर हम इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को, इसका नाम है बच्चों कॉपर ऑक्साइड, हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है, अगर हम इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाएं, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में लाएं, तो ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CU अकेला और H2+ में O, तो क्या बन जाएगा? H2O। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के कांटेक्ट में लाएं तो ये क्या बन जाएगा? CU+H2O। कैसे बना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर है, कॉपर कम ताकतवर है, तो इसलिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कॉपर प्लस में H2O। अच्छा, अब आपसे बोला गया कि आपने भाई इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास CU+ में H2O बचा, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी बताइए कि किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहां कौन है? CuO। यहां कौन है? Cu। क्या हट गया मुझे ये जल्दी बताओ, क्या यहां से हट चुका है? यहां पे CuO है और यहां पे Cu है, हटा क्या? ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों? रिडक्शन, हिंदी में अपचयन। क्या हुआ? अपचयन। अच्छा, ये कौन है बच्चों? H2। और यहां जरा देखिए क्या बन चुका है? H2O। यहां पे क्या बन चुका है? H2O। ध्यान से देखिए, यहां से ऑक्सीजन हट गया लेकिन ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, हिंदी में उपचयन। क्या होता है? उपचयन। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? तो सभी बच्चों के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। कैसे आया है क्वेश्चन? ऐसा आया है कि आपके पास एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है एक्स, जो कि ब्राउन कलर का है और जलाने पर वो ब्लैक कलर का हो जाता है, जलाने पर वो ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन जब हम उसे हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाते हैं, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो वापस ब्राउन कलर का हो जाता है। रिएक्शन में रिएक्शन लिखिए और उसमें रिडॉक्स दिखाइए। तो देख लो, ब्राउन कलर का मेटल है, उसको जलाया, हो गया ब्लैक, फिर उस ब्लैक कलर पे हाइड्रोजन गैस दिखाया, वापस ब्राउन कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन भी लिख दी और रिडॉक्स रिएक्शन भी हमने इस पे शो कर दिया। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करो, कुछ क्वेश्चंस और करवाता हूँ, जल्दी से नोट करो। तो आइए बच्चों, कुछ दो चार क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए रिडॉक्स से रिलेटेड। वैसे तो रिडॉक्स अब तक सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ नई बातें कुछ रह गई होंगी तो वो सब हम क्लियर करते हैं। अच्छा, यह है H2S। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, ये है बच्चों H2S। ये क्या है? H2S, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, क्या है? H2S। और ये क्या है? S। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये है H2S, ये है S। क्या हट गया जल्दी बताओ? इसके पास से क्या हट गया? H हट गया। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, H का हटना, हाइड्रोजन का हटना, घटना, घटना या हटना कुछ भी लगवा लो भाई, क्या बात है? यहां से हाइड्रोजन हट गया तो हाइड्रोजन का जो हटना होता है वो क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन। क्या होता है?
उपचयन। अच्छा, ये क्लोरीन है और ये देखिए किसके साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अच्छा, और जब भी किसी के साथ गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसका क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आई क्या, कि यहां से हाइड्रोजन हट गया तो इसलिए ऑक्सीडेशन, यहां से हाइड्रोजन जुड़ गया इसलिए रिडक्शन। पल्ले पड़ गई बात। अच्छा, अब इसको देखते हैं, यह है आपका जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यह है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ध्यान देंगे सभी बच्चे, हिंदी इंग्लिश नाम सेम है, जरा सा भी डिफरेंट होगा मैं अपने आप चेंज करा दूंगा। अच्छा, अब जरा यहां देखिए, ये कौन है बच्चों, जेड एन ओ, और यहां पे क्या है बच्चों, जेड एन। तो इसका मतलब कौन हट गया, ओ हट गया। ओ का हटना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। सही बात है। अच्छा, यहां कौन है, सी, और यहां पे कौन है, सी ओ, यहां पे कौन है, सी ओ। कौन जुड़ गया, तो बच्चों गेन ऑफ ऑक्सीजन, ओ का जुड़ना, तो ओ जुड़ गया तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को, नहीं ना। अच्छा, अब जरा इसको देखिए, ये तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, मैंने अभी अभी बताया है हाइड्रोजन सल्फाइड। और बच्चों इसे कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये कौन है, H2S, और ये कौन है, S। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करा, H2S, और यहां पे कौन है, S। तो यानी H2S के साथ, यानी पहले S के साथ H2 था और यहां पे कौन है, S। इसका मतलब S के पास से क्या हट गया, S के पास से क्या हट गया, H2। तो मतलब H का हटना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, H का हटना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये कौन है, I2, और ये कौन है, HI। यानी I के साथ कौन जुड़ गया, I के साथ कौन जुड़ गया, तो बच्चों I के साथ H जुड़ गया, I के साथ H जुड़ गया। और H का जुड़ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन, H का जुड़ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, जल्दी बता दो, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका है? देख लो, दो चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन में ही एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया मैंने। तो क्या बताया, यहां H2S था, H हट गया तो क्या बना, ऑक्सीडेशन। यहां Cl था, H जुड़ गया तो रिडक्शन। यहां ZnO था, O हट गया तो रिडक्शन। ये C था, O जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन। यहां H2S था, H हट गया, S बचा तो ऑक्सीडेशन। I था, H जुड़ गया तो रिडक्शन। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन घर से करेंगे और मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे ये ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ये ले लीजिए क्वेश्चन, ये करके दिखाइएगा मुझे। PbS+ H2O2 और है PbSO4, PbSO4+ H2O, H2O, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है, H2O। तो यहां तक सभी बच्चों को दिख रहा है, ठीक। तो आपको मैंने ये तीन क्वेश्चन दिए हैं बच्चों करने को, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो ये और ये तीन क्वेश्चन दिए हैं, हो जाए तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। और अगर नहीं होता है तो साइंस की नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। जैसे आज मैंने पिछली क्लास का किया है, वैसे इसको भी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। वैसे बस अगर रिडॉक्स रिएक्शन का अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन में देख लिया है आपने कि इनसे मैटर नहीं है, इनका मैटर है। जिसने ये बात समझ ली तो वो समझ गया कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, तीन चार लाइनें छोड़नी है इसके लिए, लिखने के लिए, ठीक है, तीन से चार लाइनें छोड़ देना, ठीक है। तो
ताकि मैं इसमें डेफिनेशन लिखवा सकूं, ठीक है? चलिए, तो आज यहां पे रेडॉक्स खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब कि ऊष्मक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है, संक्षारण, ये दो चार टॉपिक रह गए हैं जो वो खत्म करेंगे और चैप्टर इसी के साथ ओवर होएगा, ठीक है? इनकी डेफिनेशन भी लिखवानी है, तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक एक पॉइंट रिवाइज कीजिए, और खासकर एक बात और, चार्ज जरूर याद कीजिए। अगर चार्ज याद नहीं करोगे बच्चों तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए प्लीज सभी बच्चे चार्ज याद करें। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को मैथ की क्लास में।